बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तबीयत थोड़ी अपसेट है, डिस्टेंट है, तो ब्लॉग को ही पता नहीं मैं ज़्यादा शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ी यहाँ कर दूँगा, फिर एडिट भी करना होता है सारा कुछ, तो ज़्यादा घर में तो मेडिसिन वगैरह खा के तो ज़्यादा करेंगे, घर में ही होंगे तो आस पास, फिर भी मैं दवाई वगैरह जो खाऊँ मैं दिखाता रहूँगा साथ साथ। अभी जाते हैं, थोड़ा अंदर आराम करते हैं, क्योंकि दवाई खा के आराम करूँगा, तो खाना शाना अभी तो खाना क्या, ब्रेकफास्ट मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, तो तकरीबन 2:30 हो ही हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ सुबह मैंने नहीं किया नाश्ता, तो अभी मैंने इसके साथ ब्रेड खाई है, तो जाता हूँ थोड़ा आराम करता हूँ। और नहीं, वजह यह है कि जैसे आप लोगों को पता है ये मौसम चेंज हो रहा है आस्ता आस्ता, तो उसकी वजह से ना फिर डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, कोई बारिश तो कभी धूप कभी बारिश, इस तरह मैं कल गया भी था गर्मी में काफ़ी मोटरसाइकिल का काम, तो उसके बाद से मुझे सुबह हुआ है बुखार, रात को नहीं था, हल्का हल्का गले का दर्द भी ठीक हो गया था, सुबह हुआ है मुझे बुखार, तो अल्लाह करके बस दुआ करिए कि भाई ठीक हो जाए, वैसी जोश वाले ब्लॉग करें। अभी जी ये दवाइयाँ खाना शाना खा लिया, ब्रेड मैंने खाई थी, अभी ये दवाइयाँ खाती हैं, एकदम तो नहीं खा सकूँगा, ये जो बड़ी बड़ी हैं ये तो एक एक कर खाऊँगा। तो अभी जी मैंने दवाई शवाई खा ली थी, तो आराम आ गया काफ़ी, कपड़े घुमा लेकिन बस था, तो काफ़ी हद तक आराम आ गया, जरा बाहर बैठूँ, उस टाइम तो चला भी नहीं जा रहा था, आपने देखा ही होगा, तो काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ था, तो अभी तो ऐसे ऐसे लग रहा फ्रेश फ्रेश, जैसे अभी मैं नहा के आया हूँ, या अभी तो बारिश हुई है, सही ताज़ा ताज़ा मौसम है, पर ऐसा नहीं, गर्मी तो काफ़ी है पर मुझे गर्मी नहीं लग रही, तो गर्मी काफ़ी है, मैं पंखे के बगैर भी सोया रहा हूँ, पसीना आया है, तो पसीना से मैं लाजमी होता है लाना, क्योंकि पसीना जब तक ना आया तो बुखार नहीं उतरता, चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तो पसीना मैं अंदर पंखा बंद दरवाज़ा बंद करके। अभी जी ये चिकन और आलू सालन ये और साथ रोटी खाऊँगा, नमकीन, मतलब कि बुखार में ना ज़्यादा बंदे को नमकीन खाने को दिल करता है, क्योंकि बुखार में हो के फिर बंदा ब्रेड वगैरह जितना मर्ज़ी खा रहा, पर नमकीन तो लाजमी खाना है, मैं दूसरी दफ़ा खा रहा हूँ, पहले भी मम्मा के साथ बैठ के खाया था, मम्मा तो मना कर रही हूँ, कह रही थी ना खाओ क्योंकि उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग के होता है चांस के आ जाए, तो कह रही थी ना खाओ, पर मैंने कहा नहीं जी मैं तो खाऊँगा, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो दूसरी मैंने खुराक भी खा ली थी, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं आ रही, अब मैं फिट हूँ, बुखार वगैरह उतर गया, तो कुछ जो खाना शाना भी खा लिया, दवाई वगैरह भी खा लिया, सुबह तक बिल्कुल बेहतर हो जाऊँगा, क्योंकि बुखार दोबारा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि दो खुराकें खा ली आराम से, अब आराम आ जाएगा, उम्मीद है कि बस आप लोग दवा कीजिए, क्योंकि आपका भाई बिल्कुल फिट रहे, दोबारा बुखार ना चढ़े। तो ये देखें जी कपड़े सारे इधर उधर, इनको तय भी करना सुबह करेंगे, मम्मा कह रही थी आप ना करना तो मैं सुबह कर दूँगी। ये देखें जी मेरी लाइट रिंग लाइट कहाँ चढ़ाई हुई है, स्टैंड तो ये है प्रोडक्ट किया, क्योंकि कभी कभी लेने पड़ते हैं, वो लेने पड़ते हैं सिनेमैटिक शॉट्स, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, मैंने ऐसे मैंने क्या खोले बंदा बार बार एक ही दम खोल के रखे, एक गिलास तो मैंने अंदर ही रख दिया था, जूस मैं पी रहा था इसमें मैंने पिया था, तो उसको अंदर रख के आते, आज तो आपको अपने बेड से मिलवाया ही नहीं, तो आज मैं खुद बीमार था, तो इसकी वजह से इनको भी नहीं देख पाया ज़्यादा, ये सारे समझ लें कि नर ही नर बैठे हैं, मादिया एक ये बैठी बस, और एक इधर की आस पर बाकी सारी अपनी अपनी डोलियों में बाकी सारे नर ही हैं, एक ही है मादी बैठी बस, ये बात ये भी अंदर चली जाएगी ये वाली, इसने पता नहीं अंडे दिए हैं या नहीं। आज ज़्यादा मैं कमरे में रहा हूँ क्योंकि बुखार था, तो उसकी वजह से ना पसीना लाना लाजमी होता है, तो मैं आज कमरे में रहा हूँ, बाहर भी नहीं, अभी मैं निकला था खाना शाना, दवाई वगैरह जब बुखार उतर गया तो प्रॉपर मैं आऊँगी, तो तब मैं बाहर निकला हूँ, अभी भी मैंने पर्दा आगे किया हुआ है, पसीना आता है, तो पंखा मैंने अब चलाया, बिल्कुल चला रहा है पंखा, अब भी चलाया मैंने 5-10 मिनट हैं, उससे पहले मैं जिधर भी बैठ रहा पंखा बंद, कभी हल्की हल्की मुझे गर्मी लग रही थी, उसकी वजह से मैंने क्या पंखा चलाइए ना, फिर कुछ और ही हो गया, एक कमरे में रह के ब्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे
चलो बंदा को बाहर शहर इधर उधर जाए तो ग्राउंड वगैरह में जगह अंदर बाहर करता रहे, बाहर भी मैं आज यही नहीं समझो तो एक कमरे में बैठ के ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है, वो भी बुखार की हालत में और ऊपर से सर भी इतना दर्द कर रहा है, समझ नहीं आ रही बंदा देखे कहाँ, कैमरे की तरफ देखे तो बंदे को समझने में बोलूँ क्या। तो अब थोड़ी आवाज़ निकली है मेरी पैर का, तो आप लोगों ने देखा होगा शुरू में कि आवाज़ ही नहीं निकली थी मेरी, तो अब थोड़ी आवाज़ आई है ऊपर, अभी थोड़ा थोड़ा है, इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। भूख लग रही है तो मेयोनीज़ और ब्रेड पड़ा था, मैंने कहा चलो यही खाते हैं, फिर रोटी सालन वगैरह वो खाऊंगा, ये ना हो कि रात को थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ज़रा हल्की फुल्की गिज़ा खानी चाहिए बुखार वगैरह में। अब आया हूँ जी मैं बाहर, सुबह का अब रात को तो अंधेरा ही अंधेरा हर जगह, सिर्फ भी अंधेरा उस तरफ भी अंधेरा ही अंधेरा, सारे अपना अपना सो गए हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं होंगे कि गर्मी रहता है ज़्यादा कहीं जाता है बाहर ज़्यादा गर्मी ब्लॉग में, उसकी रीज़न ये है कि अपना लेके आए तो ज़्यादा बाहर जाके करना क्या है, मतलब हाँ कहीं हो अच्छी प्लेस पे जाए इधर उधर जाए, जो ओरिजिनल है वही नेचुरल है वही दिखाना है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं होती ना, जो नेचुरल है वही दिखाना है ओरिजिनल है। अब कोई कोई लोग होते हैं कि छुपाते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं, डरते भी हैं, हमें डर कोई किसी का नहीं है, उल्टा बंदे का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है घर में रहे घर रूटीन आपकी जो डेली रूटीन उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं है। अब डेली ये तो नहीं होता ना आपने हर रोज़ाना कभी पार्क जाना तो कभी, वो तो डेली तो नहीं होता ना, वो कभी कभी होता है, फिर बंदा कहीं और इधर चले गया आस पास चले, कोई बंदा अपने जो इलाके का उसका टूर करा दिया घर का दिखा दिया तो इधर उधर, तो वो तो शहर से बाहर तो मैंने अभी खुद अपने आप को रोका हुआ है शहर से बाहर, दिल तो बहुत करता है, छुट्टियाँ भी दो हफ्ते की छुट्टियाँ गेन आई थी और दोबारा से आगे खुल जाएंगी, क्योंकि 9-10 है मेन है तो इसकी वजह से ना मैंने अपनी नफ्स का भी काबू रखा है, क्योंकि यही मेन चीज़ होती बेस होती है, इसको एक दफ़ा बंदा गवा देना तो वो दोबारा नहीं मिलता, आगे जाके बंदा हो कोई टूर का कोई बंदा करे प्लान आगे जाके जो मतलब कि 9-10 के बाद बंदा इसको क्लियर करके आराम से, जब 9-10 जब बीच में और कुछ हो छुट्टियाँ वगैरह बंदा करता है कोई टूर प्लान, तो मैं वैसे निकल भी नहीं सकता घर से बैठ के ब्लॉगिंग तो मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये टूर तो मेरे पर बहुत है पिंडी इस्लामाबाद तो कहाँ कहाँ बंदा जाए, मैं दिल तो बहुत करता है घूमने को पर पैट्स वगैरह अपने पीछे घर वाले तो ब्लॉगिंग वगैरह इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो इसको बंदा इकट्ठा मैनेज नहीं कर सकता, इसकी वजह से ना बंदा चले बाद में सही बंदा कोई बनाता है अगेन से अगले साल या बंदा उससे अगले साल या बना लेता है आराम से करके, क्योंकि 9-10 भी इस पर मैंने इसलिए मैंने काबू रखा, मैंने कहा फुल फोकस पे देना है, बाकी चीज़ें तो बाद में भी वो चलती रहती हैं सर सर, तो कोई नहीं जब तक आए हाई बाजू ही दर्द करने लग गए कैमरा पकड़ के, तो बस जी दुआ करें हमारी तबीयत के लिए, अल्लाह ताला हमें सेहत दे, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना हम कर सकते हैं हमसे होता है हम करते हैं, चाहे बीमार हैं चाहे जो मर्जी हो, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है सपोर्ट करें, अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेल नोटिफिकेशन को ज़ोर से क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे आपको सबसे पहले मिले, तो ब्लॉग भी यहीं पेंड कर देते हैं, तो ज़्यादा लंबा हो जाए ऐसे घर में रहे ये कमरे में एक ही रहने वाला बुखार में, ये ब्लॉग फिर बोरियत की तरह चले बोर होता है, आम कोई बंदा बाहर चलता फिरता रहे फिर तो बंदा थोड़ा कर ले तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और चैनल सब्सक्राइब करना ना, बाय।